नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं स्पेक्ट्रम की एक और वीडियो में। यहां पे हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले देखिए लिटन एंड पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, ट्रीटी ऑफ गंदमाक, ब्रिटिश इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। देखिए दोस्तों, वैसे तो देखा जाए स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी किताब है, बट स्पेक्ट्रम में कुछ कमियां हैं। कमियां ये है स्पेक्ट्रम में कि स्पेक्ट्रम में चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल तरीके से नहीं बताया गया, जिसकी वजह से कभी कभी आपको चीजों को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की बात करूं तो उसको भी स्पेक्ट्रम में ठीक तरीके से नहीं बताया गया। सेकंड एंग्लो अफगान वॉर की बात की जाए तो उसको भी ठीक तरीके से नहीं बताया गया। तो मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं फिर से आपसे वही एक बार कहूंगा कि आई होप आपने इस वीडियो को देख लिया हो। इस वीडियो को देखने से थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड पता चल जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जॉन लॉरेंस और पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी के बारे में बता दिया था। इस वीडियो में सबसे पहले तो बात करेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में और उनकी जो पॉलिसी थी प्राउड रिजर्व की, उसके बारे में। देखिए दोस्तों, लॉर्ड लिटन इंडिया में जब आए, बेसिकली उनको वाइसराय बना के इंडिया में भेजा गया 1876 में। और लॉर्ड लिटन किसके फेवरेट थे? ये फेवरेट थे बेंजामिन डिजराइली के। बेंजामिन डिजराइली 1874 से लेकर 1880 के टाइम पीरियड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी उनकी और उन्होंने भेजा था लॉर्ड लिटन को। और जब उनको लॉर्ड लिटन को भेजा गया, लॉर्ड लिटन को सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस के साथ भेजा गया था कि आप अफगानिस्तान में ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस को बढ़ाइए। तो लॉर्ड लिटन आए ही इंडिया में थे इस सोच के साथ कि भैया अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के आसपास का जो इलाका, इनफैक्ट जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था, इंग्लिश जो राज था, ब्रिटिश राज था उसका इंडिया में, उस जगह पे ब्रिटेन की ताकत बढ़ाना इनका एम था लॉर्ड लिटन का। तो लॉर्ड लिटन ने एक नई फॉरेन पॉलिसी अख्तियार की जिसका नाम था फॉरेन पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। ये फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल भी जो पहले की पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, उसके अगेंस्ट जाती थी। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी क्या कहती थी? पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी ये बोलती थी कि भैया हम अफगानिस्तान के रिलेशंस में तब तक इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक हमें यह नहीं दिख जाता कि अफगानिस्तान जरूर से ज्यादा कमजोर है और हम उसके सामने जरूर से ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर हम उस पर अटैक करते हैं तो हम बहुत आराम से बिना ज्यादा लॉस के उनको हरा सकते हैं। इस टाइप का जब तक हमको नहीं दिखता तब तक हम अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ओके, अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है हम तभी इंटरफेरेंस करेंगे जब तक कोई बाहर की ताकत अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस नहीं बना सकती, तभी हम इंटरफेरेंस करेंगे। ये बात बोली थी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी में। लॉर्ड लिटन ने बोला नहीं भाई, ये नहीं हो पाएगा। अफगानिस्तान में हमें अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लेके आना है। अफगानिस्तान के जो हमारे संबंध है वो डिसीजिव होनी चाहिए और हमारे फेवर में होने चाहिए, उनको एम्बिगस हम नहीं छोड़ सकते। और जब इस तरीके का आप रुख अख्तियार कर लोगे तो आप किसकी तरफ बढ़ोगे? आप बढ़ोगे सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर की तरफ। यहां पे देखिए दोस्तों क्या था, शेर अली राजा था। इस राजा को उस समय पे अमीर भी कहा जाता था। तो शेर अली वॉज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान। ये रहे दोस्तों शेर अली खान। अगर आप शेर अली खान की जगह अपने आप को एक सेकंड के लिए रख के देखो, देखिए शेर अली खान के लिए चीजें आसान नहीं थी। शेर अली खान दो तरफ से घिरे हुए थे। अफगानिस्तान की लोकेशन को मैं पहले बहुत बार मैप पे दिखा चुका हूं। एक तरफ था ब्रिटिश राज और एक तरफ था आपका ये रशिया का राज, जो जार जूलर था। जो जार जूलर था, नॉर्दर्न साइड पे जार जूलर डोमिनेंट था, और आप देखोगे जो ईस्टर्न साइड है या फिर आप कह लीजिए साउथ ईस्टर्न साइड है, उस तरफ जो ब्रिटिश राज है वो डोमिनेंट है। अब ये समय चल रहा है 1870 का। 1870 आते आते वो जो पूरा पंजाब का इलाका था, जो पहले रंजीत सिंह के अंदर हुआ करता था, वो भी अब ब्रिटिश राज के अंदर चला गया है। तो भाई ब्रिटिश राज काफी ताकतवर हो गया है, ये बात शेर अली को पता थी। शेर अली दोनों में से किसी से पंगा नहीं लेना चाहता था, बट शेर अली दोनों में से किसी के साथ एक लिमिट से ज्यादा दोस्ती भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं शेर अली को यह बात पता थी कि ये दोनों स्ट्रांग पावर्स हैं, अगर इनको मैं ज्यादा इंटरटेन करूंगा तो ये मेरे राज में घुसेंगे। और वही हुआ दोस्तों। रशियंस ने अनाउंस किया, रशिया का जो रूलर था जार, उसने अनाउंस किया कि भाई मैं शेर अली के पास एक डिप्लोमेटिक मिशन भेजूंगा। ठीक है, खास बात यह थी कि शेर अली ने उस डिप्लोमेटिक मिशन को बुलाया भी नहीं। शेर अली ने बोला कि मुझे भैया कोई डिप्लोमेटिक मिशन नहीं चाहिए। मुझे कोई डिप्लोमेटिक मिशन तो तब होता है ना जब दो लोगों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। एक आदमी बोल रहा है कि मैं बातचीत करूंगा, दूसरा बोल रहा है मुझे बातचीत करनी नहीं, और पहले वाले ने जबरदस्ती अपना मिशन भेज दिया कि नहीं भाई बातचीत करो जाके, और ये डिप्लोमेटिक मिशन काबुल पहुंच गया। अब शेर अली का दिमाग खराब कि यार अब तो ये आ गए हैं तो करें तो क्या करें। तो शेर अली ने अलाउ कर दिया कि चलो भाई अब आ गए हैं तो इनसे मिल लेते हैं।
बट देखा जाए तो एक तरीके का इंटरफेरेंस था शेर अली की फंक्शनिंग में। तो शेर अली ने जो ये जो रशियन डिप्लोमेटिक मिशन आया था इसको एक बार के लिए अलाउ कर दिया। ये बात पहुंची इंडिया, इंडिया में जब ये बात पहुंची तो वहां पे भाई जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये सोचा कि यार ये क्या बवाल है यार, ये तो बातचीत हो रही है इनके बीच में, ये तो दोस्ती चल रही है रशिया अफगानिस्तान के बीच में। अब आप देखोगे कि ये जो मिशन था दोस्तों, वो जो रशिया ने भेजा था वो काबुल पहुंचा कब, 22 जुलाई 1878 को। तो रशियन मिशन काबुल पहुंचा 22 जुलाई 1878 को। 1876 में वायसराय कौन बन चुका था इंडिया का, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने बोला कि भाई ये ना चल पाएगा, अगर रशिया का डिप्लोमेटिक मिशन जा रहा है तो हम भी डिप्लोमेटिक मिशन भेजेंगे। तो आप देखिए 22 जुलाई 1878 को रशिया का डिप्लोमेटिक मिशन पहुंचा काबुल, और लिटन ने 22 जुलाई के कुछ ही दिन बाद 14 अगस्त को यह अनाउंस किया कि हम भी एक डिप्लोमेटिक मिशन भेज रहे हैं अफगानिस्तान। शेर अली का दिमाग खराब हो गया, शेर अली बौखला गया। शेर अली ने बोला कि भैया ब्रिटिश मिशन हमारे यहां मत भेजो, हम आपका मिशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन लॉर्ड लिटन भी अड़ गया। लॉर्ड लिटन ने बोला जब तुमने रशिया का मिशन एक्सेप्ट किया तो तुम हमारा भी मिशन एक्सेप्ट करोगे। अब हो सकता है कि लॉर्ड लिटन से पहले के जो वायसराय थे वो शायद यहां पे इंटरफेरेंस नहीं करते, लेकिन लॉर्ड लिटन का तो कह के ही भेजा गया था इंग्लैंड से कि भाई वहां पे जाके इंटरफेरेंस करो, वहां पे ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस को बढ़ाओ। तो जैसे ही रशिया का मिशन 22 जुलाई 1878 को पहुंचा काबुल, लॉर्ड लिटन ने बोला हमारा भी मिशन जाएगा 14 अगस्त को। भैया मिशन को कर दिया गया डिस्पैच। शेर अली को आया गुस्सा, शेर अली बोला कि क्या बवाल चल रहा है भाई। और शेर अली देखिए दोस्तों, शेर अली राजा था अफगानिस्तान का, एक राजा की बात नहीं मान रहे बाहर वाले, ठीक है तो किस बात का राजा। तो शेर अली ने सीधे सीधे बोल दिया अब ब्रिटिश का मिशन मैं अफगानिस्तान में घुसने नहीं दूंगा। और जब खैबर पास पहुंचा ये ब्रिटेन का मिशन, तो खैबर पास में इस ब्रिटेन के मिशन को अफगानी फोर्सेस ने रोक दिया, ठीक है। और इस बात पे ब्रिटेन हो गया दोस्तों नाराज, समझे। तो आप ये कह सकते हो फॉरेन पॉलिसी फेल्योर था ये शेर अली का, या तो उसको रशियन मिशन को शुरुआत में ही रोक देना चाहिए था, उसको भी नहीं आने देना चाहिए था, और अगर रशियन मिशन को आने दिया तो एक बार ब्रिटेन के मिशन को भी आने देना चाहिए था। एक को आने दिया एक को नहीं आने दिया, इस बात पे ब्रिटेन हो गया नाराज, ठीक है। और एक तरीके से यहां पे कॉन्फ्लिक्ट का ट्रिगरिंग पॉइंट होगा। दूसरी बात दोस्तों, रशिया जो था ना, रशिया ने भले ही अपना डिप्लोमेटिक मिशन भेजा था, बातचीत करी थी, कोई रशिया कोई दूध का धुला नहीं था। अभी आप आगे देखोगे जब सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर छिड़ेगा ना, तो रशिया मदद नहीं करेगा यहां पे शेर अली की, उसको भी हम देखते हैं। तो भैया जब अंग्रेजी मिशन को घुसने नहीं दिया खैबर पास के आगे, अफगानिस्तान में एंट्री नहीं मिली, तो अंग्रेजी फोर्सेस हो गई नाराज। ये लॉर्ड लिटन नाराज हो गया, और लॉर्ड लिटन ने बोला कि भैया अफगानिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा, और अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया अफगानिस्तान में। अब वो मिलिट्री जो भी वॉर हुआ, जो भी टैक्टिक्स हुई, वो एक अलग चीज है, ठीक है। 3-4 जगहों से अटैक किया गया, बैटल ऑफ अली मस्जिद हुआ, बैटल ऑफ कोटल हुआ, बहुत सारे बैटल्स हुए। अब यहां पे जो शेर अली था दोस्तों, शेर अली के पास ऑप्शन क्या था। शेर अली को पता था कि जो ब्रिटेन की फोर्सेस हैं ये बहुत ताकतवर हैं, ये बहुत एडवांस्ड है, ये बहुत डिसिप्लिन से है। मेरे पास जो फोर्सेस हैं वो तो ट्राइबल चीफ्स की फोर्सेस हैं, तो मेरी ट्राइबल चीफ्स की फोर्सेस ब्रिटेन की फोर्सेस से लड़ नहीं पाएंगी, तो मुझे मदद चाहिए। तो मदद कौन दे सकता है, रशिया का रूलर ज़ार, क्योंकि उसके डिप्लोमेटिक मिशन आया, उसकी वजह से बवाल छिड़ा। तो पूरे चांसेस है, ये कहा जाता है कि शेर अली इन पर्सन जाके मिला रशियन ज़ार से, और उसने उससे बोला कि सर मेरी मदद करिए, इंग्लैंड वाले आके यहां मेरे बैठे हुए हैं, लेकिन रशिया की तरफ से इसको असिस्टेंस मिली नहीं। और शेर अली वापस लौट आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 21 फरवरी 1879 को मजारे शरीफ नाम की जगह है अफगानिस्तान में, वहां पे शेर अली की मृत्यु हो जाएगी। 21 फरवरी 1879 को शेर अली मर जाएगा, ओके, मजारे शरीफ नाम की जगह पे वो खत्म हो जाएगा। चलो भाई शेर अली खत्म हो गया, इंग्लैंड की फोर्सेस घुसाई अफगानिस्तान में, लड़ाई हुई, और लड़ाई में जीतना किसको था, लड़ाई में ऑब्वियस सी बात है ब्रिटेन को जीतना था, क्योंकि ब्रिटेन की फोर्सेस दोस्तों बहुत ज्यादा ताकतवर थी। ब्रिटेन की फोर्सेस जीत गई, तो साइन हुई कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ गंडमक। GANDAMAK, ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन की गई। ये ट्रीटी ऑफ गंडमक कब साइन की गई, मई 1879 में ये ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन की गई, फरवरी 1879 में शेर अली की मौत हो चुकी है, ओके। इस ट्रीटी ऑफ गंडमक को अफगानिस्तान की तरफ से किसने साइन किया, अफगानिस्तान की तरफ से साइन किया मोहम्मद याकूब खान ने। ये जो मोहम्मद याकूब खान था, ये भाई सक्सेसर था अफगानिस्तान के थ्रोन का,
शेर अली का ये बेटा था, मोहम्मद याकूब खान ने ट्रीटी ऑफ गंदमक साइन कर दी। अब देखिए दोस्तों, ये जो ट्रीटी ऑफ गंदमक है ये अफगानिस्तान के प्रति थोड़ी डिस्क्रिमिनेटरी थी और थोड़ी ह्यूमिलिएटिंग थी। कैसे ह्यूमिलिएटिंग थी? पहली बात तो अफगानिस्तान से ये बोला गया कि जब भी आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई भी डिसीजन लेंगे तो हमसे डिस्कस करके आप डिसीजन लेंगे, हमसे बिना डिस्कस किए आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। तो अगर अफगानिस्तान को जार ऑफ रशिया के साथ रिलेशन बनाने हैं, पर्शिया के साथ रिलेशन बनाने, तो पहले अंग्रेजों से बात करनी पड़ेगी, ब्रिटिश राज के ऑफिशियल से बात करनी पड़ेगी, तभी वो कर सकते हैं। दूसरा, काबुल में परमानेंटली एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा, अब देखिए रेजिडेंट को अपॉइंट करना किसी भी कोर्ट में एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये जो ब्रिटेन के रेजिडेंट हुआ करते थे ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करते थे उस देश की फंक्शनिंग में, उल्टी सीधी बकवास करते थे, उनकी पॉलिसीज में लगातार वो इंटरफेरेंस करते थे। तो यहां पे जो रेजिडेंट थे ना ब्रिटेन के, उनका नाम था सर लुइस कैवैगनरी। तो सर लुइस कैवैगनरी, LUISCAVANGIRA, सर लुइस कैवैगनरी काबुल में आ गए और काबुल में वो आके रहने लगे। अब देखिए 26 मई 1879 को ट्रीटी ऑफ गंडमक हुई और उसके बाद सर लुइस कैवैगनरी काबुल में आके रहने लगे, तो ये भी एक पॉलिसी कंडीशन थी ट्रीटी ऑफ गंडमक के अंदर। अब जब एक ब्रिटेन का रेजिडेंट आके अफगान या काबुल की कोर्ट में रहेगा ना, तो वो काबुल की कोर्ट में जितने भी डिसीजन होंगे उनमें इंटरफेयर करेगा, और जब वो इंटरफेरेंस करेगा तो वो इंटरफेरेंस किसी को भी पसंद नहीं आएगा। उसके बाद ये बोला गया कि अफगानिस्तान रेगुलरली थोड़ा बहुत पैसा भेजेगा इंग्लैंड के पास, अगर अफगानिस्तान के ऊपर किसी भी तरीके का कोई अटैक होता है तो इंग्लैंड उनको बचाएगा। हालांकि इस तरीके की जो एश्योरेंसेस होते थे ना ब्रिटेन की तरफ से, उनका कोई मतलब नहीं होता था। ब्रिटेन कहीं पे भी लड़ाई तभी करता था जब उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, जब उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो ट्रीटी प्रोविजंस को तोड़ देंगे, एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोचेंगे। तो यहां पे देखिए ये ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन कर ली गई, ये ट्रीटी ऑफ गंडमक बहुत हाईली ह्यूमिलिएटिंग थी अफगानों की तरफ, अफगानों को इस पे गुस्सा आ गया। और यहां पे ये जो याकूब खान था, याकूब खान जो कि शेर अली का बेटा था, इसकी पॉपुलैरिटी आप देखोगे धीरे 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 कम होती जाएगी, क्योंकि इसकी लीडरशिप के अंदर फॉरेन पॉलिसी अंग्रेजों के पास चली गई। काबुल में एक फॉरेन एजेंट आके बैठा हुआ है जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को डायरेक्ट कर रहा है, इस तरीके की बातें पसंद नहीं आ रही थी, हमें पैसा देना पड़ रहा है इंग्लैंड को और ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के समय से ही जो ये अफगानी लोग थे ना, वो बड़े सस्पिशन के साथ और हॉस्टिलिटी के साथ देखते थे, और फिर सेकंड एंग्लो अफगान वॉर में अंग्रेज हमारे यहाँ आ गए, तो ये अंग्रेज हमारे यहाँ आ क्यों नहीं रहे? तो यहाँ पे जो याकूब खान की पॉपुलैरिटी थी देखिए वो हो रही थी कम दोस्तों। उसके बाद फिर बवाल छिड़ेगा अफगानिस्तान में, जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के बाद हुआ वही सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर की बात होगा। 3 सितंबर को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 सितंबर 1879, 26 मई 1879 को ट्रीटी ऑफ गंडमक हुई, 3 सितंबर 1859 को एक रिवॉल्ट होगा, और उस रिवॉल्ट में ये जो सर लुइस कैवैगनरी थे और इनके साथ जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, और कहा जाता है इनकी फैमिली भी थी वहां पे, उन सबको मार दिया अफगानिस्तान वालों ने, सबको उड़ा दिया, काट डाला, बोला तुम खत्म, तुम कैसे आ गए यहाँ पे। मतलब कि पहली बार रेजिडेंट स्टेशन किया था फर्स्ट एंग्लो अफगान के वॉर, तब भी मार दिया था, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर जीतने के बाद फिर से रेजिडेंट स्टेशन किया, फिर से उस रेजिडेंट को मार दिया। आप सोचिए कि ब्रिटेन वाले आते थे, लड़ते थे, अपने रेजिडेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बैठाते थे, जाते थे और फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को उड़ा देते थे ये लोग। सोचिए ब्रिटेन के लिए कितनी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग बात है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव को मार दिया अफगानिस्तानियों ने। अब ब्रिटेन को समझ में आना है करे तो करे क्या। फिर से बात ब्रिटेन की इज्जत पे आ गई, भाई ब्रिटेन का वो रिप्रेजेंटेटिव था कैवैगनरी जिसको मार दिया आपने। अब ब्रिटेन के पास एक रास्ता ये था कि अगर उसको अफगानिस्तान के ऊपर आयरन कंट्रोल करना था तो अफगानिस्तान में अपनी सेना स्टेशन करनी थी, बट ब्रिटेन देखिए अफगानिस्तान में अपनी सेना स्टेशन नहीं करना चाहता था। ब्रिटेन का ये टास्क था कि अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बना के रखो, ताकि अगर वेस्टर्न साइड से पर्शिया का या फिर जार का अटैक होता है तो अफगानिस्तान एक बफर स्टेट की तरह काम करे। तो अफगानिस्तान पे डायरेक्ट रूल करने का कोई मूड नहीं था ब्रिटेन का, इसलिए ब्रिटेन वॉर करता था और अपनी सेना को वापस ले जाता था। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों को यह पसंद नहीं था कि उनके इंटरनल अफेयर में कोई दूसरा इंटरफेयर करे, तो वो बार बार उसके रेजिडेंट को मार देते थे। तो ऑब्वियस बात है, जब बार बार रेजिडेंट को मार दिया तो फिर से अटैक होगा ब्रिटेन की तरफ से, फिर से अटैक हुआ ब्रिटेन की तरफ से।
जब फिर से अटैक होगा ब्रिटेन की तरफ से, तो देखिए ब्रिटेन का मिलिट्री मैनेजमेंट तगड़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं बोलना चाहिए, जो ब्रिटिश क्राउन की आर्मी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, अफगानिस्तान का हारना तय था और अफगानिस्तान हार गया। तो अब देखिए फर्स्ट जो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर था, पहले ब्रिटेन ने जीता, वहां पे ट्रीटी ऑफ गंदमक साइन की, ट्रीटी ऑफ गंदमक साइन करने के बाद लुइस कैवेगनरी को बैठाया, वापस चली गई ब्रिटेन की आर्मी, लुइस कैवेगनरी को मार दिया अफगानिस्तान वालों ने, फिर से ब्रिटेन ने अटैक किया, फिर से अफगानिस्तान को हराया। इस बार जब अफगानिस्तान को हराएंगे ना तो गद्दी पर कौन बैठेगा ये देखिए दोस्तों, इस बार गद्दी पर बैठेगा अब्दुर रहमान खान, ये शेर अली का आपके मिले नेफ्यू था, तो अब्दुर रहमान खान अब गद्दी पर बैठेगा, आपका ये जो याकूब खान था ये याकूब खान गद्दी पर से हट जाएगा, याकूब खान की जगह पे अब गद्दी पर आ गया है अब्दुर रहमान खान। अब्दुर रहमान खान ने ब्रिटेन के साथ ट्रीटी करी, अब्दुर रहमान खान को भी समझ में आ गया कि भैया इनसे जीत नहीं पाएंगे, ओवरऑल मिलिट्री बैटलशिप में हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। तो जब अब्दुल रहमान खान गद्दी पर बैठा उसने बोला ठीक है, ये जो ट्रीटी ऑफ गंदमक आपने साइन की है मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं, तो फॉरेन पॉलिसी आप हमारी डिसाइड कर सकते हैं, आपको हम ये हक देते हैं। लेकिन ब्रिटेन को भी इस बार समझ में आ गया कि अब किसी रेजिडेंट को काबुल में बैठाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर से अगर हमने रेजिडेंट को काबुल में बैठाया तो वो रेजिडेंट अपनी नाक तो लगाता ही है, हर चीज में अपनी इंटरफेरेंस करेगा, तो फिर से कहीं वो रेजिडेंट ना मार दिया जाए। तो इस बार ये जो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी का टर्म था ना, ट्रीटी ऑफ गंदमक का, कि एक रेजिडेंट रहेगा काबुल की कोर्ट में, तो रेजिडेंट नहीं रखा इस बार अंग्रेजों ने, डरी गए होंगे भाई, फॉरेन पॉलिसी अंग्रेजों को मिल गया कि हाँ भाई फॉरेन पॉलिसी आप डिसाइड कर सकते हो अफगानिस्तान की, ठीक है, और इस फॉरेन पॉलिसी के बदले थोड़ा बहुत पैसा अफगानिस्तान अंग्रेजों के पास भेजता रहेगा। तो ट्रीटी ऑफ गंदमक की ऑलमोस्ट बाकी सारी चीजों को अफगानिस्तान वालों ने मान लिया और अंग्रेजों ने यह मान लिया कि हम कोई भी रेजिडेंट रखेंगे नहीं। फिलहाल के लिए अफगानिस्तान में ब्रिटेन ने अपने मैटर्स को रैप अप कर दिया। क्यों रैप अप कर दिया? क्योंकि देखिए ब्रिटेन का ऑब्जेक्टिव क्या था, ब्रिटेन का ऑब्जेक्टिव यह था कि ये जो अफगानिस्तान का इलाका है ये एक बफर स्टेट की तरह काम करे, और जैसे ही आपका ये अब्दुल रहमान खान गद्दी पर बैठेगा वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। अब्दुल रहमान खान ने बोला कि ठीक है भाई अफगानिस्तान ब्रिटेन फिर से लड़ेगा नहीं, अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस रहेगा। तो ये जब बातें अब्दुल रहमान खान मान गया, और अब्दुल रहमान खान ने इन बातों को बहुत लंबे समय के लिए माना, उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखे। आप देखोगे आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले कुछ सालों तक किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं होगी अफगानिस्तान में और ब्रिटेन में, ये चीज हो गई दोस्तों। आगे आते हैं, एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ 1893 में। 1893 में क्या हुआ दोस्तों, पहले तो कुछ चीजें हुई 1893 में जो आपके स्पेक्ट्रम में भी दी हुई है, अगर आपने स्पेक्ट्रम खोल रखी तो उसमें लिखा हुआ है। और 1892 के टाइम पे जो गिलगित वैली है ना, जो इस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, हुंजा नाम की जगह है, हुंजा वैली है जो, और चित्रल नाम की एक जगह थी, ये चित्रल कहां है ये मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये फोटो देखिए, इस फोटो में इधर आपको काबुल नजर आ रहा है और इधर आपको चित्रल नजर आ रहा है। तो ये जो चित्रल का आसपास का इलाका है इस पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने इस पे कब्जा कर लिया, गिलगित वैली, हुंजा, इन सब चीजों पर कब्जा किया, तो देखिए चित्रल बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आ रहा था, काबुल के बहुत पास था। तो अब्दुल रहमान जो था, जिसकी अरेंजमेंट हो रखा था अंग्रेजी फोर्सेस के साथ, अंग्रेजी हुकूमत के साथ, तो अब्दुल रहमान को लगा कि भाई ये क्या बवाल चल रहा है। अब्दुल रहमान ने ब्रिटिश ऑफिशियल से बात की कि हमारा आपका एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के चलते ये जो चित्रल के पास, ये जो इंपॉर्टेंट माउंटेन के पासेस हैं, यहां पे आपकी सेना नजर आई है, तो भाई ये तो गड़बड़ है, ये तो कुछ काम गड़बड़ सा होता नजर आ रहा है। तो उस समय पे जो अंग्रेजी ऑफिशियल्स थे उनका ये मानना था कि भाई किसी भी तरीके का कोई बवाल नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान से। तो हुआ क्या कि 1893 में मॉर्टिमर ड्यूरेंट नाम का एक पर्सन था जिसको काबुल भेजा गया ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। इस मॉर्टिमर ड्यूरेंट ने अब्दुल रहमान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, और इस एग्रीमेंट के तहत यह कहा गया कि भाई देखिए हम लोग अपना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिसाइड करेंगे, इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के चलते यह पता किया जाएगा कि आपके हुकूमत में कौन सा हिस्सा आता है, यानी कि अब्दुल रहमान अफगानिस्तान का जो राजा था उसकी हुकूमत में कितना हिस्सा आएगा,
और जो अंग्रेजी राज था उसकी हुकूमत में कितना हिस्सा आएगा, और इसके लिए एक लाइन खींची गई जिसका नाम था ड्यूरेंट लाइन। इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया, ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट 12 नवंबर 1893 को, और इसके चलते एक नई प्रोविंस बनी जिसका नाम था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि यहाँ पे लाल में दिखाई जा रही है। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है ना दोस्तों, ये आज की डेट में पाकिस्तान का हिस्सा है। ये पाकिस्तान का आज जो खैबर पख्तून वाला करके प्रोविंस है ना, खैबर पख्तून वाला प्रोविंस, ये खैबर पख्तून वाला प्रोविंस एक्चुअली में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ही थी। ओके दोस्तों, तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो थी, ये उस समय पे ब्रिटिश राज के अंदर थी और बाद में ये पाकिस्तान के अंदर में चली गई। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कब आई? 12 नवंबर 1893 के बाद। क्यों? क्योंकि 12 नवंबर 1893 को ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट साइन हुआ था ब्रिटिश राज के बीच में और अब्दुल रहमान के बीच में, जो कि अफगानिस्तान का रूलर था। तो आप देखिए कि कितने जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों ने अफगानिस्तान वाले इलाके पर कब्जा किया। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर लड़ा, कब्जा नहीं हो पाया। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर लड़ा, अपने रेजिडेंट को ही नहीं बैठा पाए, जिस तरीके से रेजिडेंट अवध में और हमारे देश के बाकी हिस्सों में बैठा रहे थे, अफगानिस्तान में बैठा नहीं पाए। और अगर अफगानिस्तान में इनको रेजिडेंट बैठाना था तो इनको सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन करवानी थी, उस लेवल का अरेंजमेंट अफगानिस्तान की माउंटेनियस टेरेन में कर नहीं पा रहे थे ये इंग्लैंड वाले। तो वो बार बार अपने रेजिडेंट को बैठा के चले जाते थे, रेजिडेंट को काट देते थे अफगानिस्तानी। तो बाद में अब्दुल रहमान के साथ एक एग्रीमेंट बैठा और अब्दुल रहमान ने ठीक तरीके से चीजें करी, उसने ब्रिटेन के साथ लड़ाई को आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अब्दुल रहमान को भी पता था कि ब्रिटेन के साथ एक लिमिट से ज्यादा पंगा वो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। बाद में अफगानिस्तान का यही स्टेटस रहा, अफगानिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इंग्लैंड के हाथों में ही रही, जो ब्रिटिश राज था उसके हाथों में रही। फिर फर्स्ट वॉर वर्ल्ड वॉर होगा 1914 से 1918, रशियन रेवोल्यूशन होगा 1917 में, तो जब रशियन रेवोल्यूशन होगा 1917 में तो रशिया बीच वॉर में ही छोड़कर चला जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, और उस समय पर अफगानिस्तान बोलेंगे कि हमको पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। अब्दुल रहमान 1901 में शायद उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद गद्दी पर बैठा हबीबुल्ला। हबीबुल्ला ने 1901 से लेके 1919 तक राज किया। हबीबुल्ला के बाद गद्दी पर बैठा अमामुल्ला। अमामुल्ला ने ब्रिटेन से लड़ाई छोड़ दी। फाइनल कर देखने में आपको यह मिलेगा 1921 में अफगानिस्तान पूरी तरीके से आजाद हो गया अंग्रेजों से, क्योंकि अफगानिस्तान में अंग्रेजों का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस केवल एक था, अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अंग्रेज डिसाइड करेंगे, यह बात हुई थी। और यह अरेंजमेंट रहा है दोस्तों कब से, जब से आपका सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर खत्म हुआ। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर खत्म हुआ, ट्रीटी ऑफ गंदमाक को मान लिया अब्दुल रहमान ने, और अब्दुल रहमान ने बोला ठीक है हमारे फॉरेन रिलेशंस आपके हिसाब से, और ये चलता रहेगा कब तक, 1921 में। 1921 में फाइनली जो अफगानिस्तान के फॉरेन रिलेशंस हैं उनके ऊपर से अंग्रेजों का दबदबा हट जाएगा दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने किस तरीके से कब्जाया इस पूरे नॉर्थ वेस्ट के प्रोविंस को। तो आप देखोगे सिंध पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों पे किस, कब, 1843 में। उसके बाद सिंध पे कब्जा करने के बाद पंजाब पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया 1849 में। आपको एंग्लो सिख वॉर समझाया ना मैंने, सिंध का पूरा कैसे एनेक्सेशन हुआ ये भी समझाया, पंजाब का पूरा किस तरीके से एनेक्सेशन किया ब्रिटेन ने ये भी मैंने आपको समझाया। फिर 1893 में जो ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट हुआ था ये तो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है। धीरे धीरे करके ये जो नॉर्थ वेस्ट का पूरा इलाका है इस पे कब्जा किया, पूरा का पूरा जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटेन के अंदर में था, और पाकिस्तान के बगल में जो अफगानिस्तान था उस अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ब्रिटेन के अंदर में थी। तो ब्रिटेन एक्चुअली में बहुत ताकतवर था दोस्तों। ओके, कर्जन के रूल के दौरान क्या हुआ, कर्जन का राज रहा है आपका 1899 से लेके 1905 तक। अब हुआ ये दोस्तों कि कर्जन के रूल के दौरान जो बाउंड्री थी ना वहां पर थोड़ा अफगानी ट्राइब्स के बीच में और ब्रिटेन के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। कर्जन को यह लगा कि भाई देखिए उस समय पे हमारे यहां पे भी फ्रीडम मूवमेंट जोर पकड़ रही थी, हालांकि इतनी जोर नहीं पकड़ी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्ट्रांग हो गई थी, लेकिन कर्जन का यह था कि वो पंगेबाजी नहीं करना चाहता था अफगानिस्तान में फिर से। तो कर्जन वहां के जो लोकल ट्राइबल चीफ है उनके साथ बना के रखने की कोशिश करता था। कर्जन के समय पर आप ये देखोगे कि भले कर्जन कितना भी एसेंट्रिक आदमी था, इंडिया में उसने जो भी परेशानियां की वो एक अलग चीज है, लेकिन अफगानिस्तान के आसपास का जो इलाका है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बाउंड्री थी ना अफगानिस्तान के साथ, वहां पे उसने चीजों को पीसफुल रखा, वहां पे उसने प्रॉब्लम नहीं करी। कर्जन की पॉलिसी में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पीस रहा। ओके, तो ये था दोस्तों। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन सीधे सीधे कर्जन के अंदर था, ऐसा नहीं कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब के अंदर में था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि
ब्रिटिश चला रहे थे, जो कि जिसका हेड था कर्जन। कर्जन ने सीधे सीधे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंदर रखा। उस काम को उसने डिसेंट्रलाइज नहीं किया, डेलीगेट नहीं किया दोस्तों। ओके, तो ये बात थी दोस्तों। जनवरी 1932 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को एक गवर्नर की प्रोविंस बना दिया गया। 1947 में तो ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थी, देश के विभाजन हो गया और वो पाकिस्तान में चला गया। वैसे तो देखिए स्टोरी बहुत बड़ी है दोस्तों, काम की चीजें आपको समझानी है, एक लिमिट से ज्यादा स्टोरी बताने का मतलब क्या, स्पेक्ट्रम में चीजें क्लियर कट लिखी नहीं है। तो एक्चुअली में लड़ाई का क्या सीन रहा, कैसे लड़ाई हुई, एक उसका जो ओवरऑल लेआउट है वो मैंने आपको समझा दिया। तो आपको यह पता है कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में क्या हुआ, आपको यह भी पता है सेकंड एंग्लो अफगान वॉर में क्या हुआ, और इससे साथ हमारा ये चैप्टर 5 खत्म होता है। इसकी समरी दे रखी है बुक में, तो उसमें बता रखा है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उसकी आर्मी को इंडिया में सक्सेस क्यों मिली, इंग्लैंड का जो नवाब ऑफ बंगाल थे, जो पहले की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका नवाब ऑफ बंगाल से कैसे पंगा हुआ, फिर मैसूर के साथ जो 4 जंगें लड़ी वो, फिर एंग्लो मराठा वॉर हुआ उसमें 3 जंगें लड़ी वो, फिर सिंध को कॉन्कर किया 1843 में लॉर्ड एलन बैरो ने, पंजाब को कॉन्कर किया, पहले तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई रणजीत सिंह जी के साथ, बाद में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, और सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, और 1849 में जब सेकंड एंग्लो सिख वॉर खत्म हो गया, पूरी तरीके से जो पंजाब का इलाका था वो अंग्रेजों के अंदर चला गया। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स की हमने रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ा, सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ा, और जो ब्रिटिश इंडिया के नेबरिंग रिलेशंस कंट्रीज का रिलेशंस थे, एंग्लो नेपाल रिलेशंस, बर्मा रिलेशंस, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, सेकंड एंग्लो बर्मा वॉर, थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर, एंग्लो तिब्बतन रिलेशंस, ट्रीटी ऑफ लासा, ये सब हम पढ़ चुके हैं, और फाइनली एंग्लो अफगान वॉर्स, ड्यूरेंट एग्रीमेंट, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों इस वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और जितना तेज हो सक रहा है उतना तेज मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्वालिटी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। फ्री में वीडियोस मिल रही हैं, थोड़ा पेशेंट रहिए दोस्तों, बिल्कुल ही वो मत करिए कि और बना दो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।